किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 6 मई 2022 के ताज़ा मंडी भाव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धान के भाव। तो मैनपुरी मंडी में धान 11-21 का टॉप भाव रहा 4100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। धान 17-18 का आज का रेट है 4100 रुपये। धान 15-09 का भाव रहा 3700 रुपये। हाइब्रिड का भाव रहा 1450 रुपये। सुगंधा का भाव रहा 3400 रुपये। वहीं नरेला मंडी की बात करें तो धान 11-21 का भाव रहा 4500 रुपये। धान 11-21 का नया रेट है आज का 4018 रुपये। त्रावड़ी मंडी की यदि हम बात करें तो धान का आज का रेट है 11-21 का 4250 रुपये। सरबती का भाव है 2450 रुपये। वहीं धान परमल का भाव है 1900 रुपये। बासमती का भाव है 3900 रुपये। और वहीं 1509 का भाव है 3600 रुपये। वहीं बूंदी मंडी की यदि हम बात करें तो 11-21 का टॉप का जो भाव रहा वो 4100 से 4200 रुपये। 1509 का भाव रहा 3800 से 3900 रुपये। वहीं सुगंधा का भाव रहा 3600 से 3700 रुपये। 17-18 का आज का रेट रहा 3900 से 4000 रुपये। चलिए देखते हैं आज का गंवार का क्या भाव है। तो जोधपुर मंडी में गंवार का रेट है 6100 रुपये। जोधपुर मंडी में गंवार गम का प्राइस है 11500 से 11600 रुपये। सादुलपुर चूरू में गंवार का टॉप भाव रहा 6920 रुपये। वहीं बीकानेर मंडी में गंवार का रेट रहा 5800 रुपये। केकड़ी मंडी में गंवार का प्राइस रहा 5100 से 5500 रुपये। वहीं आदमपुर मंडी का गवार का रेट रहा 5775 रुपये। और इसके साथ ही हरियाणा की इलाहाबाद मंडी में गवार का रेट रहा 5350 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब इसके बाद में हम नरमा कॉटन के भाव और देख लेते हैं। तो आदमपुर मंडी में नरमा का भाव रहा 12325 रुपये। सिरसा मंडी में नरमा का रेट रहा 12030 रुपये। इलाहाबाद में इसका भाव रहा 12000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। बरवाल मंडी में भाव रहा 10790 रुपये। फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 10600 रुपये। वहीं भट्टू मंडी की यदि बात करें तो आज का रेट रहा 12000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसके बाद में हम बाजरा के बाजार भाव की ओर यदि बात करें तो सादुलपुर चूरू में बाजरा का रेट रहा 2200 से 2250 रुपये। केकड़ी मंडी में बाजरा का प्राइस रहा 2025 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं गेहूँ का मंडी में क्या भाव रहा देश की अलग अलग मंडियों में। तो बूंदी मंडी में यदि बात करें तो बूंदी मंडी में गेहूं का रेट रहा 2200 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। वहीं हरियाणा की भुन्ना मंडी में गेहूं का भाव रहा 2070 रुपए। इलाहाबाद मंडी में गेहूं का रेट रहा 2060 से 2080 रुपए। सादुलपुर में 2225 रुपए से 2250 रुपए। वहीं जोबट मंडी में 2175 रुपए। इसके अलावा जो बीकानेर मंडी है राजस्थान में वहां पर 2100 से 2400 रुपए। और केकड़ी मंडी में गेहूं का टॉप भाव रहा 2125 रुपये। देवास मंडी में गेहूं का भाव 2080 से 2500 रुपये के आसपास रहा। इसके बाद में नरेला मंडी में ऑनलाइन प्राइस इसका 2100 से 2300 रुपये रहा। भुन्ना मंडी में गेहूं का आज का रेट था 2070 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। वहीं यदि हम उदयपुर मंडी में गेहूं का भाव देखें तो 1950 से 2050 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम बात करें हरियाणा के हिसार की तो हरियाणा के हिसार में जो गेहूं का भाव रहा 2140 रुपये प्रति क्विंटल। ग्वालियर में गेहूं का भाव रहा 2100 से 2125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। अलवर का जो गेहूं का टॉप भाव है वो 2225 से 2275 रुपये रहा। चलिए अब देखते हैं सरसों का ताज़ा भाव क्या रहा, इसका क्या रेट रहा आज मंडियों में। तो हरियाणा की इलाहाबाद मंडी में सरसों का रेट रहा 6200 से 6921 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। वहीं आदमपुर में सरसों 7176 रुपये बिकी। वहीं हरियाणा की उचाना मंडी में सरसों का ऑनलाइन प्राइस रहा 6900 से 7100 रुपये। और ये जयपुर मंडी में 7400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका भाव रहा। दिल्ली की मंडी में सरसों का प्राइस 7200 रुपये रहा। वहीं बीकानेर मंडी में सरसों का रेट जो है वो 6400 से लेकर 6900 रुपये तक रहा। इसके अलावा हरियाणा की बरवाला मंडी में सरसों 6800 रुपये बिकी। हिसार मंडी में इसका भाव 6900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। ग्वालियर में सरसों का भाव 6600 से लेकर
6800 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। इसके साथ साथ मुरैना मंडी में सरसों का भाव रहा 6600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। नीमच मंडी में सरसों का भाव रहा 6500 रुपये से लेकर 6800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आज 6 मई 2022 के ताज़ा बाजार भाव हमने आज के इस वीडियो में जाने। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ताकि आपको अगली वीडियो टाइम पर मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।